अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मुर्ग मलाई, जो बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है बहुत कम सामान में। बहुत ही रिच होती है लेकिन बहुत ही मज़े की होती है। तो चलिए हम बनाते हैं। इन सब सामान की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम लेंगे कोरिएंडर लीफ और ग्रीन चिली को, जो मैंने चॉप कर रखा है, साथ में इस्तेमाल करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेमन जूस, फ्रेश क्रीम और योगर्ट, साथ में हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और गरम मसाला पाउडर। इन सब मसालों की ज़रूरत पड़ेगी हमें। और मैंने बोन चिकन लिया है 500 ग्राम और साथ में इस्तेमाल करेंगे तेल का। चिकन मैंने मीडियम साइज का कट करवाया है, ये देखें। साथ में डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच के करीब। 1 नींबू का रस मैंने इस्तेमाल किया है। 2 से 3 चम्मच फ्रेश क्रीम, थिक क्रीम है, और 2 से 3 चम्मच योगर्ट, ये भी थिक है, ताकि ये बहुत ही मज़े का और काफ़ी अच्छा क्रीमी फ्लेवर आता है इसका, मुर्ग मलाई का। तो मैंने इसलिए थिक क्रीम और थिक योगर्ट का इस्तेमाल किया। और इस्तेमाल करेंगे, इसमें डालेंगे सारे पाउडर, जितने मसाले हैं हम सबको इसमें ऐड कर देंगे। सारे मसाले मैंने 1-1 चम्मच लिया है, और ये धनिया की पत्ती और हरी मिर्च जो मैंने चॉप कर रखा था, इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। काफ़ी मज़े का बनता है, इसके अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू आती है धनिया की पत्ती की, हरी मिर्ची की। सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। इसे एटलीस्ट 2 आवर के लिए आप मैरिनेट करें, 2 घंटे के लिए इसे छोड़ दें, या फिर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा 3 से 4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। 2 घंटा हो चुका है, देखिए चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब हम इसे बनाने के लिए इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो ग्रेवी के लिए मैंने 1 मीडियम साइज़ प्याज ले लिया है, 8 से 10 दाना मैंने काजू के लिए है, पकाने के लिए ऑयल, और साथ में लिया है कसूरी मेथी 1 चम्मच के करीब। तो चलिए सबसे पहले एक पेस्ट बना लेते हैं, स्मूथ सा पेस्ट तैयार करते हैं प्याज और काजू का। बहुत ही मज़ेदार और एकदम शाही डिश है, इसे ज़रूर ट्राई करें, एकदम अलग फ्लेवर है। ये देखिए इसके पेस्ट तैयार हो चुके हैं प्याज और काजू का, जो भी हमने जार में डाला था, ये पेस्ट तैयार हो गया। अब हम पतीली लेंगे जिसमें हम डालेंगे तेल। ये 2 से 3 चम्मच मैंने ऑयल लिया है, इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। मैंने फ्लेम को हाई रखा है। अब इसमें डालेंगे पेस्ट काजू और प्याज का। इसे अच्छी तरीके से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह से इसको चलाते रहेंगे ताकि प्याज का कच्चापन निकल जाए, उसकी स्मेल निकल जाए। इसे बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, पकाना नहीं है, बस इतना पकाना है कि प्याज का कच्चापन और उसकी स्मेल चली जाए। अब इसको कवर करेंगे और थोड़ी देर पकाएंगे, बिल्कुल 5 से 7 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं पकाना है उसे। ये देखिए प्याज में जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो सूख गया है। बिल्कुल इस तरह से चला लें 2 से 3 हाथ, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। कोई भी मसाला अंदर नहीं डालना है, क्योंकि सारे मसाले हमने चिकन में ऐड कर रखा था। ये देखिए चिकन को इसके अंदर डाल देंगे, बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होता है। बस जो भी मसाले डालने होंगे हमें मैरिनेशन के बाद, अब
अभी इसमें कुछ भी नहीं, ना आपको मिर्च ना नमक कुछ भी नहीं डालना। सिर्फ इस मसाले में आपको मैरिनेट किए हुए चिकन को डाल देना है और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, चला लेना है बिल्कुल इस तरह से। सब तरफ से इसको मैंने ऊपर नीचे करके अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। काफ़ी अच्छी ग्रेवी, इसका पेस्ट जो है वो बहुत ही स्मूथ तैयार हुआ है। काफ़ी अच्छी ग्रेवी इसकी बन के तैयार होती है, इसका कलर भी बहुत अच्छा रहता है। अब इसे 15 से 20 मिनट हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं बनाएंगे, मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे और बीच में चलाते रहेंगे ताकि ग्रेवी सटे नहीं। ये देखें, अब इसे एक बार चला लेंगे अच्छी तरीके से बिल्कुल इस तरह से। अभी ग्रेवी में पानी है, अभी इसे और पकाएंगे, चिकन को एक से दो बार और चला लेंगे, फिर से कवर कर देंगे और फिर से इसे ढक करके हम बनाएंगे। ये हो गया 5 से 7 मिनट, अब इसे दोबारा चलाएंगे। ये देखिए, इसमें अच्छे से ऑयल रिलीज कर लिया है और इसका जितना एक्स्ट्रा पानी था वो भी सूख गया है। अब इसकी बहुत ही मज़ेदार और थिक क्रीम तैयार हो गई है, ग्रेवी तैयार हो गई है। ये देखिए, चिकन भी ऑलमोस्ट डन है। अब इसमें ऐड करेंगे बटर, मैंने 2 चम्मच के करीब लिया है, नॉर्मल बटर जो होता है। ये देखिए, 2 चम्मच इसमें डालेंगे। इसे चलाना नहीं, बस इसी तरह से छोड़ दें, वो खुद मेल्ट हो जाएगा। और इस्तेमाल करेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को अच्छे से हाथ से मैंने चूर दिया है, इसे मैश कर लिया है। ये देखें, और इसके ऊपर में इस तरह से डाल देंगे। इसकी अलग खुशबू होती है, बहुत ही मज़ेदार। इसमें धनिया की पत्ती है, कसूरी मेथी है, बटर है, काजू है, क्रीम है, दही है, तो ये बहुत ही रिच और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बिल्कुल एक शाही डिश की तरह है, बहुत कम सामान में बहुत ही मज़ेदार बन जाता है। 5 मिनट फिर हम लो फ्लेम में इसे बनाएंगे। ये देखें, बहुत ही अच्छा इसका कलर आया है, ऑयल भी सब तरफ से इसने छोड़ दिया है। अब इसे हम थोड़े तेज़ आंच पे बना रहे हैं 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि एक्स्ट्रा जितना भी पानी है वो सूख जाए और इसकी एक थिक ग्रेवी तैयार हो। मलाई चिकन में फ्लेवर जो है वो मलाई का आना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं होना चाहिए, बस एक लटपटा सा मसालेदार ग्रेवी इसकी तैयार होती है। ये देखें, ये मुर्ग मलाई हमारा रेडी है, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है ये। तो चलिए चलते हैं इसे सर्व करते हैं। ये मुर्ग मलाई रेडी है, इसे आप नान के साथ, बटर के साथ, पराठा के साथ, जो भी आपको पसंद हो उसके साथ आप ज़रूर खाएं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट हमारे साथ शेयर करें। बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट बन जाता है, तो ज़रूर आप ट्राई करें, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।